इज्जत माब अलामा अली नासर अल हुसैनी साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبو القاسم محمد اللهم صل على وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المسلمين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت व नबलूकुम बिशर्री वल खैरी फितनतन व अलैना तुरजाऊन सदकल्लाहुल अलीउल अज़ीम सलावात पर मुहम्मद व अहले बैत। दुआ है अल्लाह वदउल्ला शरीक ज़िक्र खैर दे सदके नाल साडे गुनाह माफ़ फरमाए और इस साले सवाब दी मजलिस जिन्ना मेहरबाना वास्ते जारी सारी के खालिक कायनात उन्हें कुर्बे रहमत जगह नसीब फरमाए। मेरे मोहतरम सामईन सूरह मुबारक अंबिया की एक आयत मजीद 35 नंबर आयत मजीद मैं पढ़न का शरफ हासिल किया। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कुल्लू नफ्सिन ज़ायकतुल मौत, हर नफ्स हर जान मौत का जायका लेगी। उस तो बाद खालिक ने फरमाया वरना बलूकुम बिशर्री वल खैरी फितनतन, अल्लाह ने बंदों को इम्तिहान में डाल दिया है कभी खैर के साथ कभी शर के साथ। कभी अल्लाह बंदों को खैर से आजमाता है और कभी अल्लाह बंदों को शर से आजमाता है। मेरा लफ्ज़ ना जी व नबलूकुम, अल्लाह इम्तिहान लेगा तुम्हारा कभी खैर के साथ और कभी शर के साथ। और अल्लाह फरमाता है वह अलै ना तुरजाऊन, और आखिर तुमने उसी की तरफ पलट के जाना है। इदा मतलब है कि सानू दुनिया ते खालिक ने अपनी मर्जी नाल भेजिया, अपनी मर्जी नाल वापस बुलाएगा। ना कोई बंदा मशवरे नाल आया है ना मशवरे नाल जाएगा। अल्लाह के हुक्म नाल बंदे इत्थे आए ने, अल्लाह के हुक्म नाल वापस चले जाएंगे। जिहड़ा दरम्यानी वक्त है ना जी, जम्मण तो लैके मरण तक का दरम्यानी वक्त, इनू खालिक ने फरमाया व नबलूकुम, ये तुम्हारा इम्तिहान का वक्त है, ये तुम्हारा इम्तिहान का वक्त है, ये आजमाइश का वक्त है। जिन्हें बंदे दुनिया से आए ने बिला तफरीक मज़हब, वो अल्लाह के नज़दीक इम्तिहान दे रहे हैं और अपना अपना इम्तिहान दे के बंदे उत्थे पेश हो जाने। ये इम्तिहान चाह सी सारे लोग। मेरे मोहतरम सामिन, चूंकि महीना इम्तिहान का है, इस वास्ते मैं इस आयत मजीदा मुंतखब किया है। आ जिहड़ा महीना जा रहा है इम्तिहान का महीना है। ये जिन्हें बंदे हज ते गए ने वो एक इम्तिहान गाह की ज़ियारत करन गए। मैं दोबारा अर्ज कर देना, इम्तिहान गाह एग्जामीनेशन हाल जिन्हों आते ने, जिथे इम्तिहान हुए है, इम्तिहान होया उत्थे किसे दा, उस इम्तिहान गाह की ज़ियारत का ना हज है। हुण तुसीं अंदाज़ा लाओ कि जिस इम्तिहान की जगह नूं वेखण दा ना हज है, इम्तिहान देने वाले कैसे होणगे, इम्तिहान कैसा होगा। ये जिहड़ा बंदा हाजी बन के आउंदा है बा इज्जत हो जाता है, अल्लाह इज्जत उहनूं अता करता है जिहड़ा इम्तिहान गाह वेख के आउंदा। जिते हज़रत हाजरा दौड़े ने ते इम्तिहान दिता है, उत्थे बंदे दौड़ के आउंदे ने। जिते इस्माइल अलैहि सलाम की कुरबानी हुई है उत्थे कुरबानी करके आते हैं। जिते हज़रत इब्राहीम अलैहि सलाम ने अमल किए ने, एक इम्तिहान गाह है जिदी ज़ियारत का ना हज है। उदे तक मैं आ जाना, लेकिन मैं पहले अपने मुतलक और जनाब के मुतलक भी अर्ज़ करा कि असी भी इम्तिहान चाह। यह जिहड़ा कुरान पाक है ना जी, ये साबका उमतां के जिहड़े पेपर आए ना वो अल्लाह ने दर्ज कर छड़ा। मैं दोबारा अर्ज़ करना, जिहड़े पढ़े लिखे बंदे नूं जाणदे ने कि टैसट पेपर के आखिर ते कुछ पेपर होंदे ने, वो पेपर दिते जाते ने नमूने के तौर पर कि 2017 च यह पेपर आया सी, 18 च आया सी, 2020 च आया सी। वो बच्चे हिसाब ला लेंगे कि इंज का पेपर आ सकता है। ये जिन्हें पिछले पेपर ने ना उम्मतां दे, वो अल्लाह ने इस कुरान च दर्ज किए ने। असा ये पेपर पढ़े जरूर ने, लेकिन कबर ते असा कुलां च पढ़े ने, दसवें च पढ़े ने। अल्लाह दे बंदे हो, पेपर कबरां ते पढ़ने वास्ते नहीं होंदे, पेपर तैयारी वास्ते होंदे।
मेहरबानी यार, इन्हें जो तैयारी करनी है, मैं दो त्रै पेपर पढ़ देना, दो त्रै पेपर पढ़ने ने तो मजलिस मुकम्मल हो जानी है। इस साले सवाब की मजलिस है, कबर के दुआले सत हाफजे कुरान पा छड़ो, वो किन्नी बारी भी कुरान पढ़ जान, एक तेन मैं दसा वो जी कबर ते भाए नहीं वो टुर गया, तैयारी तू ही करनी है। अरे अब देखो दाओ जो अपना हिसाब दे चुका है या वो हिसाब दे रहा है। हाँ बरकत जरूर होगी, उसकी कबर ते कुरान पढ़ने की बरकत होगी, और मुमकिन है कि अल्लाह पाक उसे उस बुनियाद पर भी रहम करे। लेकिन यह जो पेपर ने ये असं इम्तिहान दे रहे जी, इस वे मैं भी इम्तिहान च हाँ, तुम भी इम्तिहान चो। जो इम्तिहान के दिन होंगे ना जी, होंगे बड़े नाजुक ने। वैसे आ छोटे बच्चे बैठे ने, इन्हों फुफी आखे ना किसी वे तू मेरे अल भी आ, या खाला आखे मेरे अल आ, तो निके निके बच्चे एडे एडे सिर ने इन्हों के छोटे छोटे, इन्ना कु दिमाग है, तो वह भी आते हैं फुफो मैं इम्तिहाना तो बाद आवागा, खाला मैं इम्तिहाना तो बाद आवागा। वड्डे वड्डे सिर ने बंदियां दे ते विच गल नहीं पई आउंदी, बालां नूं पता लग गया इम्तिहाना च आवारागर्दी नहीं करी। यारा इम्तिहाना विच तां नहीं ना बन लिया जाई जी, शुक्रिया। इम्तिहाना च आवारागर्दी नहीं करी थी। वैसे तो शिया सुन्नी यार हदीस देवबंदी जिन्हें मुसलमान ने अगर कुरान पढ़ चुके ने, तो अल्लाह फरमांदा वल्ला नबलूकुम बिशर्री वल खैर, हम कभी खैर के साथ तुम्हें आजमाते हैं, कभी शर के साथ तुम्हें आजमाते हैं। एक खैर व शर की जरा तशरी जी उलामा की है, वह मैं जनाब के सामने बयान कर देना। उलामा फरमाते हैं खैर और शर का मतलब यह है कि खैर से मुराद चार पाँच चीज़ा उलामा ने लिखी हैं। वह फरमाते हैं कि खैर से मुराद राहत है, आराम है जी, खैर तो मुराद राहत है, शर तो मुराद रांझे। राहत न कभी आजमाता है, कभी दुख दे के आजमाता है। अल्लाह कभी बंदे कुवत दे के आजमाता है, कभी जोफ दे के आजमाता है। कभी बंदा ताकतवर हो जाता है, कभी बंदा कमजोर हो जाता है। ताकतवर करता है आजमाण वास्ते, बंदे नूं कमजोर करता है, शुक्रिया, आजमाण वास्ते। अल्लाह पाक फरमाते ने फिर सेहत देता है आजमाण वास्ते, फिर बीमारी देता है वह भी आजमाण वास्ते, अमीरी देता है आजमाण वास्ते, फिर गरीबी भी देता है आजमाण वास्ते, हुक्मरानी देता है आजमाण वास्ते, महकूमी देता है आजमाण वास्ते, कभी खैर नाल आजमाता है, कभी शर न आजमाता है। जो बंदा मजबूत होंदा है उदो इम्तिहान मुश्किल होंदा है, जो कमजोर होंदा है उदो इम्तिहान आसान होंदा है, जो अमीर होंदा है उदो इम्तिहान मुश्किल होंदा है, जो गरीब होंदा है उदो इम्तिहान आसान होंदा है। बंदे समझते ने असं मारी गए हाँ, वो अल्लाह दे बंदा सौखा ही इम्तिहान गरीबी है, औखा इम्तिहान है अमीरी है। जिहड़ा हाकिम होके इम्तिहान दे रहा है उसका इम्तिहान हो रहे, जिहड़ा महकूम होके इम्तिहान दे रहा है उसका इम्तिहान हो रहे। जो बंदा हाकिम होंदा ना जी उदो इम्तिहान औखा होंदा, जो महकूम होंदा उदो इम्तिहान सौखा होंदा, जो सेहतमंद होंदा उदो इम्तिहान मुश्किल होंदा, जो बीमार होंदा उदो इम्तिहान आसान होंदा। क्यों? जो बंदा फिटा होवे ना उदो अल्लाह नूं याद नहीं करता, जो कमजोर होंदा उदो आंदा वा तू ही तू है। मैं तुहानू होर इम्तिहान की आसानी दस दिया। आज जिमीदार बैठे ने कोई दस पंद्रह भी नहीं, जिमीदार कौन ही जिमीदार बैठा, जमीन के मालिक बैठे होना जी। एक बंदा जमीन का मालिक है, वो को दस एकड़ हो, दस मुरबे हो, जिनी भी जमीन है वो एक बंदे को कोई जमीन नहीं, वो मजदूरी करता है। इम्तिहान सौखा वह जिदी कोई नहीं। अड़े जिमीदार बैठे हो, ऐ कुरान चो पढ़ देना, सूरा ए मुबारका निसाह चो पढ़ देना, खालिक फरमंदा जमीन सारी अल्लाह दी, कि अल्लाह दी, ये अल्लाह दी पाबंद हो। जिहड़ा बंदा गैर जिमीदार हो सुक ना जाए किधरे, कि साड़ी जमीन कोई नहीं, इन्हां कोल सड़न की लोड़ नहीं, जे इन्हां कोल जमीन है तो अल्लाह दी पाबंद ने, साहब इन्हां देना क्या साह देना। यारा इन्नल अर्ज़ा लिल्लाही, अल्लाह फरमाता सारी जमीन अल्लाह की है, मुझसे चाहता है उसे वारिस बना देता है। यदा मतलब है अल्लाह अगर किसी को अपनी जमीन देता है वो वादा खाता है, तो साहब उन्हें देना क्या सा देना। और यार जिन्हें नहीं जिमीदार असा नहीं देना तो सौखा ही है ना। चलो तुम ये गल दसो भी नैब गरीब बंदा को फसया तुम वेख्या, नैब कोई मस्कीन फसया वेख्या जी, ये जिन्हें नैब वाले फसे ने सारे पैसे वाले फसे ने ना, हूँ सोचो गरीबी सौखा है कि अमीरी सौखा है। मेहरबानी, यदा मतलब एक गल है वो मैं आयते मजीदा एक पढ़ देना, वो जनाब के सामने सूरा मुबारका
अल अनाम की एक आयत मजीद है उसे अल्लाह ने बड़ा सौख्या किया बंद अल्लाह फरमाता वा हुवल लज़ी जअलकुम खलाइफल अर्ज़ी अल्लाह वो है जो जमीन पे खिलाफत देता है अल्लाह वो है जो जमीन में खलीफा बनाता है अल्लाह फरमाता है जो खलीफा बन के आता है उसका इम्तिहान और है जो खिलाफत के तहत होता है उसका इम्तिहान मसलन मसलन फिर आज पढ़ना अल्लाह फरमाता है वा रफा बाज़कुम फौका बाज़िन दरजातिन हमने बाज़ों को बाज़ों से दर्जे में अफजल बनाया है बाज़ों को बाज़ों से अफजल बनाया है दर्जे बनाए हैं ये जो दर्जे अल्लाह बनाए ने इधर चल्ला ने बड़े कमाल दा आदल है अल्लाह फरमाता जब हमने दर्जे बना दिए है ना लियब्लुअकुम फी मा आताकुम ए मेरा मौजू है अल्लाह फरमाता है हम आजमाएंगे उसी में से जो हमने तुम्हें अता किया क्या बात है जी हुण मैं लुत्फाया तुहाडे सुनन दा अल्लाह फरमाता जिन्ना असां तुहानू दित्ता है उहदे विचों तुहानू आजमावांगे शुक्रिया जिन्ना तुहानू अताकुम जितना हमने तुम्हें दिया है उसी में से आजमाएंगे इहदा मतलब है हर बंदे दा पेपर अलग अलग है जिन्ने जोगा है क्या बात है जिन्ने जोगा है उन्ना उहदा पेपर है अल्लाह फरमांदा ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा हम बंदे की वसअत से ज़्यादा उस पर बोझ नहीं डालते इहदा मतलब है अल्लाह जिन्नू दर्जे च बुलंद कीता है उहदा इम्तिहान हो रहा जिन्हों दर्जे थले रखे वह इम्तिहान हो रहे तुसी तो मैं फिक्र वाली गल कोई नहीं साडा इम्तिहान उन्ना ही होगा जिन्ने जोगे बहुत शुक्रिया यार इम्तिहान उन्ना ही होगा जिन्ने जोगे हाँ जिन्ना दर्जा सानू अल्लाह दिता है अल्लाह उद्देशों आजमाएगा पहली जमात के बच्चे के पेपर होर होंगे ने पंजवीं पेपर होर होंगे ने दसवीं के पेपर होंगे ने सोलहवीं के पेपर होर होंगे ने जिन्ना दर्जा बढ़ता जाएगा पेपर मुश्किल होंगे जाएगा जिन्ना दर्जा बढ़ता जा आबाद रहो भाई आ जिन्ना ले 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 लैने वह भी सुन लैन जिन्ना अजे लैने ने वह भी सुन लैन आ सानू आंदा गां च सत रल जो जिहड़ा बंदा सतवें थां गां च रलिया होवे वह वड्डा दाबड़ा लैके जांदा है इत्थे मेरा हिस्सा रखो सानू आंदा गां च सत रल जो ओनू आंदा पुत्तर ते फेर मैं क्या अल्लाह सानू गां च भी सत रलाने तो ओनू आंदा पुत्तर ते फेर फरमाया काम ओना करो जिन्ने जोगे हो मौला तुहानू जज़ाए खैर दे मेरा ख्याल है कि जिन्हों इस महीने च भी समझ ना इम्तिहान जी आई शुक्रिया कि भाई नौजवान समझ आ गई जिन्हों इस महीने में भी इम्तिहान की समझ ना आई उन्होंने कदों इम्तिहान की समझ आनी खुदा की कसम असी इन्ने जोगे हाँ कि साढ़े को लेला ले लिंदा उत्थे लेला लैके इब्राहिम नहीं गए इब्राहिम पुत्र खड़े पुत्र वो ख्वाब आया तो उस पुत्र नूं आख्या मैं तेनों ख्वाब इज़्ज़ा कर रहा असी पुत्र नूं आखीए मैं ख्वाब इंजदा वेख्या वह आखेगा अब्बा तेनों सीधा ख्वाब कोई नहीं आ सकता तेनों जदों आएगा पुट्ठा ही आएगा तो शुक्र करो बच्चा किधरे माँ नूं जा के ना दसे कि अब्बा आंदा राती मैं तेनों छुरी फेर छड़ीए हो सकता पुत्र ये तो बड़े चिर का दिल कर दे सारे टब्बर नूं छुरी फेरे तो दूजा विआह करे ए घर वखरा फतूर पै जाना है हुण मन फिर अल्लाह इहो जिहियां नूं इहो जिहा देंदा ही नहीं हाँ मौला तुहानूं जज़ाए खैर देवे हर बंदे का किबला अपना इम्तिहान है मैं अपने इम्तिहान च हाँ किबला तुसीं अपने इम्तिहान च हो तुसां अपने पेपर देने ने तो मैं अपना पेपर देना है एक गल मेहरबानी करके ध्यान नाल सुन लेना मैं अर्ज ही कर सकना जो तो पेपर होंदे होण उदों अपने पेपर ते ध्यान देई दे बहुत मेहरबानी मैं पहना जिहड़े पढ़े लिखे दोस्त ने जरूर मेरे नाल तामन करन पेपर होंदे होण अच्छा तुसीं एक गल दसो बंदा पेपर दे गया वो तुहाडे हाथ च नाल दा बैठा है उहदे हाथ च पेपर है उहने भी लिखना है मैं भी लिखना है अगर मैं त्रै घंटे पेपर का टाइम होवे ते त्रै घंटे उहदे अल ध्यान करके आखां यह भी गलत लिखे आई यह भी गलत लिखे आई यह भी गलत लिखे आई आप कख ना लिखा मैं कहना तीन घंटे ज़ाया हो गए कि मैं उहदा ही सही करांदा रहा अपना लिखया ही नहीं ऐसे ऐसे बंदे साधा ने उन्होंने किसी के अकीदे की फिक्र पई है वह अपने अकीदे की फिक्र मेहरबानी मैं तो जिन्हें बंदे वेखे ने उन्होंने किसी के अकीदे के मुतलक गल की है ओहदा अकीदा नहीं ठीक ओहदा अकीदा नहीं ठीक ओहदा अकीदा नहीं ठीक वह अपना पेपर कर वो अल्लाह दे बंदा सारा वक्त किसी के अकीदे चैक करन ते जाया करना ही अपना ठीक कर पेपर अपना अपना चाहिए है किसी के पेपर ते नज़र रखिए अपना
डिंगा डिंगा शहर डिंगा उत्थे मैं गया एक जनाजे ते ਉਹ ਮੈਂ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਕਹਿ ਕੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ ਲੱਗਾ ਇਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਮੈਂ ਫਿਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਬਲ ਮੈਂ ਤੇ ਖੋਲ ਕੇ ਪੜਨਾ ਸੀ ਉਹ ਨਾ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਛੱਡਿਆ ਬਸ ਫਿਰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਮੈਂ ਫਿਰ ਛੱਡ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ 3-4 ਮਿੰਟ ਇਹਨੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਹੱਥ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਨਾ ਹਾਂ ਜੀ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਉਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਜੀ ਕਿੱਲ ਲਾਓ ਇੱਥੇ ਕਿੱਲ ਉਚਰਾ ਨੂੰ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਨਾਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੜਿਆ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਮੇਰਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ ਨਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਛੱਡਣਾ ਤੇਰਾ ਰੋਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਰੋਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣਾ ਰੱਖ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹਮ ਹਸ਼ਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਸਬ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਂਗੇ ਬਾਪ ਬੇਟੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਨੇਗਾ ਬੇਟਾ ਬਾਪ ਕੋ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਨੇਗਾ ਭਾਈ ਭਾਈ ਕੋ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਨੇਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਕਿਉਂ ਫਰਮਾਇਆ ਤਸਾਲੂਨ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਹਮ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ ਵਿਖਾਏਗਾ ਮਤੇ ਪਿਓ ਦਾ ਪੇਪਰ ਮੁੰਡਾ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਏ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਪੇਪਰ ਪਿਓ ਦੇਣ ਨਾ ਫਰਮਾਇਆ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਯਾ ਅਲੀ ਅੰਤਾ ਆਖੀ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਵਲ ਆਖਿਰਾ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਮੈਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਹੈ ਤੂੰ ਆਖਰਤ ਮੈਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਮੁੱਕ ਜਾਣੇ ਨੇ ਇਹ ਦੋ ਭਰਾ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ ਯਕੀਨਨ ਹੈ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਣੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣੇ ਵਾਲੇ ਔਰ ਹੈ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣੇ ਵਾਲੇ ਲਓ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਾਂ ਜੀ ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈਏ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈਏ ਇੱਕ ਦੋ ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਸਲਨ ਪੇਪਰ ਨਿਸਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਏਗਾ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਯੋਗੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਜਨਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਰਾ ਏ ਮੁਬਾਰਕਾ ਆਰਾਫ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਜੀ ਸੂਰਾ ਆਰਾਫ ਦੀ 163 ਨੰਬਰ ਆਇਤ ਮਜੀਦ ਆ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਮਜਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਘੰਟਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੰਟਾ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆਪਸੇ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੱਦੇ ਹੋ ਬਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਘੰਟਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਛੱਡਦਾ ਅਤੇ ਸਵਾਬ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਜਲਿਸ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਸਾਲੇ ਸਵਾਬ ਦੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕੁਰਾਨ ਸਮਝਣ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਜਲਿਸ ਹੈ ਇਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਔਰ ਹੈ ਮਜਲਿਸ ਔਰ ਹੈ ਖਤਮ 'ਚ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਮਜਲਿਸ 'ਚ ਵੀ ਆਹ ਕੁਰਾਨ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਖਤਮ 'ਚ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮਜਲਿਸ 'ਚ ਕੁਰਾਨ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਫਜ਼ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਔਰ ਮੁਫੱਕਰ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਪੁਰਾਣਾ ਫਰਕ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹਿਫਜ਼ ਕਰਦਾ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਫਿਕਰ ਕਰਦਾ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਿਫਜ਼ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਯਜ਼ੀਦ ਦੀ ਬੈਤ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਯਜ਼ੀਦ ਦੀ ਬੈਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਹਿਫਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਔਰ ਹੈ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿਬਲਾ ਮੈਂ ਫਿਕਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੋ ਤਿੰਨ ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੇਪਰ ਇੰਨੇ ਨੇ ਇਹ ਮੌਜੂ ਹੀ ਇੰਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ ਸਾਰਾ ਮੁਹਰਮ ਪੜ੍ਹੋ ਸਾਰਾ ਸਫ਼ਰ ਪੜ੍ਹੋ ਅਸ਼ਰਾ ਪੜ੍ਹੋ ਪੇਪਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਦੂਸਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮਜਲਿਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਕਤ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤ 'ਚ ਪੇਪਰ ਹੋਏ ਹੈ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਏ ਹੈ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਐਡਾ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗੈਸਟ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐ ਕੁਰਾਨ ਉਹ ਕਮਾਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਪੇਪਰ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਹੱਦ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਲਿਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੇਲ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਲਿਖੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ ਤਾਂ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ
यार इन पढ़न तो बाद समझ लवे तो फेल नहीं होंगे। फिर जो कुरान पढ़ के फेल हो भी पहला दस दिया वजह की, मैं वजह दस देना। नबी आख्या कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ। जो अली को छोड़ जाते हैं वो कुरान खोलते हैं, कुरान अपने मतलब छुपा लेता है। यदि समझ भी ओनू आएगी जिदे दिल च बुगज़े अली नहीं, जिदे दिल च मोहब्बत अली है, उन्होंने समझ आएगी इंशाअल्लाह। मैं पेपर पढ़ने लगा, मेहरबानी खैर हो जनाब तुसा इन्नी तवज्जो फरमाई, मैं पेपर पढ़ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह मुबारका आराफ आयत नंबर 163, अल्लाह फरमांदा वस अलहुम अनिल करियतिल्लजी तिल्लती कानत हाजिरतल बहरी, सवाल कर उनसे बस्ती में जो बंदे थे दरिया के किनारे। एक बस्ती थी, ध्यान ना सुनना जी, एक सवाल हुंदा सी उर्दू दा अंग्रेजी च हुंदा सी कि दिए गए पैराग्राफ को गौर से पढ़िए और दिए गए सवालात के जवाब दीजिए। की गल हो, स्कूले को नहीं गया तो अड़े जो बंदा। मैं क्या बड़ा अहम सवाल हुंदा सी कि दिए गए पैराग्राफ को गौर से पढ़ी और नीचे दिए गए सवालात के जवाब दीजिए। ये सब तो आसान सवाल हुंदा सी, अजे भी है शायद सब तो आसान है जी, मेहरबानी। यानी पैराग्राफ उत्थे ही पढ़ना है तो सवालों के जवाब देने ने। जिथे बंदे सुस्त होने लगन ना किसी मजले से, उत्थे मैं मिन्नतां नहीं कभी कीतियां कि इंज करो इंज करो इंज करो तो नारा ते इंज नहीं। उत्थे मैं की करना, उत्थे मैं जो पढ़ना उहदे विचों सवाल करना ते बंदे नूं दस के करना। फिर बंदे होश नाल बैंदे ने भी कितने मेरे कोलों ना पुछ लै। मैं पूरे मजमे अगे तरला पिया करना, ध्यान नाल सुनना जे मैं जिहदे कोलों दिल कीता मैं सवाल करा। मर्जी है मेरी, तुहाड़े को भी कर सकना, अपने अजीज को कर सकना, मेहरबाना को कर सकना, जिहदे को मर्जी करा सवाल मैं कर सकना। ध्यान नाल पहरा पहला सुन लो भाई जी, मैं सवाल करना जे तुसी चुप कर गए हो। जो मैं ना मैं करने ने ते तुसी चुप करो ना करो, तुहाडा ख्याल है भी ना कर नहीं, ऐसा नहीं करना। फिर मेहरबानी ध्यान ना सुनो, मैं क्या कुरान पाक पढ़िया पैरा इन्ना कोई है जिहड़ा तुहाडे सामने ए इत्थों लैके इत्थों तक इक्को ही आयत। खालिक फरमांदन वस अल हुम अनिल करियती, हुण अल्लाह पिया फरमांदा इनसे सवाल कर। अल्लाह पिया आंदा सवाल कर, वस अल हुम इनसे सवाल कर, इनसे सवाल कर। या अल्लाह लाइट शैट आ जाए ताकि बंदे फ्रैश होकर बहन, वरना गर्मी सवाल ही भुल जाने, मेहरबानी करनी है। वस अल हुम इनसे है सदके जावा, इंज इंज करके इन्ना को बोला तुसा, इनसे सवाल कर, मेहरबानी। क्या अनिल करियती, एक बस्ती थी, तिल्लती कानत हाजिरत अल बहरी, दरिया का किनारा था, किनारे पर बस्ती थी। सुन तो सदके हाँ। फिर खालिक फरमाते इस जब यादूना फिर सबती, जब वो हद से निकल गए हफ्ते वाले दिन। किदन जी हमने मैं सवाल करना है कि सोमवार को निकले सन के मंगल को निकले सन हद च, और फिर तुसा इंशाअल्लाह याद हो गई गल। एक बस्ती थी और दरिया के, क्या बात है, लो सवाल दिल करे करन दी नौबत ही ना आवे वैसे ही याद हो गया। एक बस्ती थी, दरिया के किनारे थी, और बस्ती वाले हद से निकल गए। कदों? हफ्ते वाले दिन। अल्लाह फरमाते इस ताती हिम ही तानुहुम यौमस यौमा सब्तिहिम शुरअन। अल्लाह फरमाता जब मछलियां आती थीं हफ्ते वाले दिन, व यौम ला यस्बितूना ला तातीहिम, और जिस दिन ना हफ्ता करते थे ना आती थीं। कजालिक इसी तरह बात हुई, नब्लूहुम बिमा कानू यस यफ सुकून। अल्लाह फरमाता है हमने उनको आजमाइश में डाला, उनका इम्तिहान मछलियों के जरिए निकला जो दीन कबूल करके फासिक हो गए। बंदे दीन कबूल करके फिर गए सन। हुण मैं सवाल कर लगा जी हजरात, पहला सवाल है बस्ती किसके किनारे थी। शुक्रिया, लो जी इज्तमाई सवाल कर लेने, कले कले को नहीं पूछते क
क्योंकि जो असं पहाड़े पढ़ते सन उदो पतान पहाड़े आते सन तो बाकी बाकियों सिर्फ तरज आती एक दूनी दूनी उन्हें दो दूनी चार तो तुम पता पुराने बंद जो बैठे हो वह मेरे न बोलो हूं मैं पता नहीं बड़े जोर ना अंज करके ना एक दूजे ना सामने सामने खलो के एक दूनी दूनी उन्हें दो दूनी चार और चौं पंजां नूं पहाड़े आते सन दूजे उंजी पै हलते सन। मैं इस वास्ते ना कल कल तो सवाल नहीं किया जिन्हें चार नूं याद हो चुकी है गल उन्हां कोले कर लेना। बस्ती किसके किनारे थी, लो जी इन्नी गल सी मेहरबानी, दरिया के किनारे थी। उस बस्ती वालों का अल्लाह ने किस दिन इम्तिहान लिया, हफ्ते वाले दिन, खैर हुए, किस जानवर, किस परिंदे, किस हशरातुल अर्ज, किस मखलूक के जरिए इम्तिहान लिया, मछली के जरिए। दरिया के किनारे बस्ती सी, हफ्ते वाले दिन इम्तिहान लिया ते किदे तो मछियां तो लिया। हुण अल्लाह जी तो आजमाइश च पांदा, मैं पेपर पे पढ़, ये पेपर होया बड़े पहले दौर च, नबी पाक नूं अल्लाह ने वो पेपर सुनाया, वो पेपर नबी पाक ने अगो सहाबा नूं सुनाया, ए कुरान च अजे वो पेपर लिखे है। इहदा मतलब जे दौरे रसूल सी उदों भी बंदे पेपर पढ़ते सन ते अज बाशरे भी असीं पे पढ़ने आ, उत्थे की असर होया इत्थे की असर हुंदा हुणे पता लग जांदा। हुण मैं तुहानूं वो तफसील दस दियां ताकि बच्चे भी समझ जाण। अल्लाह ने फरमाया सी उस बस्ती नूं बंदिआं नूं भई हफ्ते वाले दिन मछियां नहीं फड़नियां, हफ्ते वाले दिन मछियां नहीं फड़नियां। ते दरिया च अल्लाह मछियां भेजदा सी हफ्ते वाले दिन, तो सुभान किदण भेजदा सी, हफ्ते वाले दिन ही मछियां आउंदियां सन। जिहड़े मछियां फड़न वाले हुंदे ने जी उन्होंने बड़ा हिसाब हुंदा, वह खलोती छपड़ी च भी हिसाब ला लैंदे है ही भाई, आम बंदे नूं पता नहीं लगता। जिहड़े शिकारी हुंदे ने वह बिचौलियां बुड़बड़ियां वजदियां ने उत्थों हिसाब ला लैंदे ने पेदे च मछियां है ने। हुण वह मछियां फड़न वाले बंदे मच्छी खाने वाले बंदे सन। अल्लाह फरमाया अपने नबी नूं कि इन्हां हज़रत दाऊद दे उम्मतियां फरमाया इन्हां नूं आख भई हफ्ते वाले दिन मछियां नहीं फड़नियां तो अगे पिछे फड़ लो। हुण अगे पिछे अल्लाह घलदा ही नहीं सी, वह बंदियां वेखियां मछियां बड़िया बड़िया कमाल ते मूँह तुहानूं करके जो मछियां अंज करना ना उन्हां दियां रालां डिगणियां। उन्हां नबी नूं आख्या फड़ लईए, उन्हें आख्या ना अज हफ्ता जे आया है। बंदे नबी पाक नूं आके कहण लगे उस दौर दे नबी नूं एक गल ते दसो ये हफ्ते वाले दिन फड़ लईए तो की हुंदा है। फरमाया डरो उस गल तो की हुंदा। वाह भाई वाह, बहुत शुक्रिया। जदों मेरे रब ने मना कर दिता कि वेखो छोटी जी आजमाइश है यार, आजमाइश है और यार आजमाइश ही है कि हफ्ते वाले दिन मछियां नहीं फड़नियां। हुण आउंदियां सन हफ्ते वाले दिन, नबी आख्या की होना है ये अल्लाह जानता है कि अगर फड़ियां तो की होना है। मैं तुहानूं इक्को गल दसी है, वह कहन लगे हफ्ते वाले दिन जो फड़ के खा जाइए अल्लाह पाक नूं की है। फरमाया अल्लाह नूं कुछ भी नहीं आजमा रहा है, पेपर है। शुक्रिया और यार पेपर है तुहाडा। फिर बंदे बड़े बड़े स्कीमी होंदे ने तुहानूं पता, बंदे बड़े बड़े स्कीमी होंदे। उन्हें की आख्या, उन्हें सलाह की कीती, उन्हें आख्या इंज करो दरिया इंज करके आउंदा है ते विच मछियां आउंदियां। दरिया तो जो साइड है ना, जिहड़ी साइड है उहदे च खाड़ियां बना के ना खाड़ियां ते निक्के निक्के टोए कर लो ते हफ्ते वाले दिन उन्हां नूं टोयां च कर लांगे ना, इतवार नूं फड़ लां। सुभान अल्लाह, हफ्ते वाले दिन उन्हां नूं खाड़ी च पा के ना आ जाओ पानी छिंझा छिंझके ते विच मछियां सारियां वह आईयां टोए च, अपने अपने टोए कढ लैणे, हफ्ते वाले दिन फड़ लांगे। वह तुसीं यकीन करो उन्हें उस ने ना किया दिल हूँ अल्लाह नूं दा किहड़ा लाए जी, हाय हाय अल्लाह इम्तिहान पै लैंदा सी ते इम्तिहानां दे नगराना नूं पता हुंदा परची किहड़ा किहड़ा पै लैंदा। ओ यार जिहड़े परची लांदे ने एग्जामिनर नूं पता हुंदा है, नगरान विच फिरदे हुंदे ने, सुपरडेंट फिरदा हुंदा, डिप्टी सुपरडेंट फिरदा हुंदा है, इन्ने नगराना च बंदा परची नहीं ला सकदा समी ओ बसीर दे सामने, दा किहड़ा लाएगा। उन्हां नूं उत्तों दरिया दे ढाल बना के ना नीवें थां ते टोए कर लै, ओ छिंछ छिंझ के ना पानी हफ्ते वाले दिन
ਤੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਕੀ ਆਂਦਾ ਅਸੀਂ ਫੜਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੇਡਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਫੜਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਿਰਾਂਜਨ ਪੈ ਕਰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਲੋ ਫੜਿਆ ਜੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੱਟੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਛਿੰਝ ਛਿੰਝ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਟੋਇਆਂ 'ਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੱਛੀਆਂ ਟੋਇਆਂ 'ਚ ਆ ਗਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਟੋਏ ਸਨ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਦਰਿਆ ਸੀ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਮੱਛੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਹੱਦ ਦੇ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਆ ਗਿਆ ਮੱਛੀਆਂ ਸੀ ਉੱਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਦੇ ਸਾਂ ਮੈਂ ਥੱਲਿਓਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਥੱਲਿਓਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜਦੀਆਂ ਮੇਰਾ ਖੈਰ ਕਮਲੇ ਸਨ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਾਪਸ ਟੁਰ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਲੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਬੰਦੇ ਸਮਝਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਹਿਸਾਬ ਨਾ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਹੀ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਟੋਇਆਂ 'ਚ ਉਹ ਵਾਪਸ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਅਖੀਰ ਬਦਬਖਤ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਸੀ ਪਿਆ ਬੋਲਣਾ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਅੱਬੇ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਧਿਆ ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਅੰਮਾ ਦੂਰਾ ਚਾਬੀ ਦੇ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮਾਰੀਗਾ ਆ ਕੇ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਤੂੰ ਚਾਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਲੰਘਦੇ ਆ ਬੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਖਾਈਏ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਯਾਰ ਛੱਡ ਪਰਾਂ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਵੇਖ ਲੈਗਾ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਤੂੰ ਅਗਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਰਲ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਬਈ ਹਫ਼ਤੇ ਵਾਲੇ ਦੇਣੀਆਂ ਫੜਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ ਲਓ ਜਨਾਬ ਜਲਦੀ ਕਰ ਲਈਏ ਉਹਨਾਂ ਫੜ ਲਈਆਂ ਜੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਾਲੇ ਦੇਣੀ ਫੜ ਲਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਕਿਹੜਾ ਮੱਛੀ ਖਾਂਦਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸੀ ਐਵੇਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਫੜੀਆਂ ਵੀ ਕਿਬਲਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਨੇ ਜਿੱਦਣ ਅੱਲਾ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਤੀਜਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪਿਆ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਫਲਮ ਮਾ ਆ ਤੋ ਅੰਮਾ ਨਹੂ ਅਨਹੂ ਫਕੁਲ ਨਾ ਲਹੁਮ ਕੂਨ ਕਿਰਦਤਨ ਖਾਸਹੀ ਜਬ ਵੋ ਬੰਦੇ ਹਮਾਰੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੱਦ ਤੋੜ ਗਏ ਹਮਨੇ ਕਹਾ ਬੰਦਰ ਬਣ ਜਾਓ ਸਰ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਬੰਦਰ ਬਣ ਗਈ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਉਨਸੇ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਛੀਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੇ ਹਜ਼ਰਾਤ ਤੁਸਾਂ ਜੇ ਬਾਂਦਰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਤੁਸਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਹ ਮਦਾਰੀ ਸ਼ਦਾਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਂਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਦਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਇਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਰਾਮ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੇਖਿਆ ਬੰਦਰ ਉਹ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਸੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਹੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਬੱਧਾ ਸੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੇਤ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਰੇਤ ਲਿਆ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਰੇਤ ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛੀ ਸੀ ਰੇਤ ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗਿਆ ਉੱਥੇ ਬਾਂਦਰ ਬੱਧਾ ਮੈਂ ਉਹ ਬੱਧਾ ਤੂੰ ਰੇ ਪਾਈ ਲਿਆ ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਉਸ ਆਖਿਆ ਜੀ ਹੈਰਾਨ ਆ ਮੈਂ ਬਾਂਦਰ ਉੱਥੇ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਰੇਤ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣਾ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਲੰਮਾ ਉਸ ਆਖਿਆ ਉਹ ਨੀਂਦਰ ਉਹਨੂੰ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਹੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵਹਿੰਦਾ ਤੈਂ ਉਸ ਆਖਿਆ ਰੇਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਪੁੱਛੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਰੇਤ ਕੋਈ ਲੈ ਜਾਏ ਕੋਈ ਛੱਡ ਜਾਏ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਦਾ ਝਟਕ ਬਦ ਗਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਹੋਵੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬੰਦਰ ਬਣਿਆ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਬੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਗਰਕ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਜਨਾਬੇ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਅਲਬੱਤਾ ਬੇਚੈਨ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਰ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਦੀ ਉਹ ਸ਼ੈ ਖਾ ਉਹ ਖਾ ਸਿਗਰਟ ਦਾ ਟੋਟਾ ਸੁੱਟੋ ਤਾਂ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਐਵੇਂ ਮੂੰਹ ਸਾੜ ਲੈਂਦਾ ਲਾਲਚੀ ਵੀ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਲਾਲਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ ਅਤੇ ਨੀਂਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਬਾਦ ਰਹੋ ਭਾਈ ਲਾਲਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ ਅਤੇ ਨੀਂਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਸਜ਼ਾ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੌਂ ਜਾਏ
हाय हाय सजा मैं दी रज है इन्होंने हफ्तिया मछिया फड़िया जे इंसाना दे अल्लाह ने बंदर बना दिते हूँ मैं अपने नबी दे मुतल्लिक और कुरान चो पढ़ा जनाब अपनी उम्मत मुस्तफा दे मुतल्लिक अल्लाह फरमांदा सुनो लोगो सुम्मत वल्लाई तो मिन बादी जालिक फिर वो फिर गए बाद ईमान लाने के अल्लाह फरमांदा फलाउला फजलुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु लकुंतुम मिनल खासिरीन ऐ ईमान वालो ऐ रसूल की उम्मत वालो ये तो अल्लाह का तुम पे फजल है और उसकी रहमत है जिसकी वजह से तुम बच गए हो वरना हद तो तुम भी हर रोज तोड़ जाते तो क्या बात है जी सर उठाओ नहीं 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 अजय मैं लुत्फ नहीं आया मैं फिर आज पढ़ना अल्लाह फरमांदा वलकद अलिमतुल लजी नतदो मिनकुम फिस सबती फकुलन लहुम कूनु किरदतन खासिन तुम जानते हो कि जिनको हमने बंदर बना दिया था इम्तिहान के बाद हफ्ते वाले दिन मछलियों से मना किया था जहां से मैंने मना किया वो बाज ना आए हमने उनको बंदर बना दिया। आओ भाई असी भी ये पेपर दे मुतल्ले कोई सोचिए सुबह तो लैके शाम तक तू ते मैं अपने अपने मुतल्ले रल के सोचिए पूरे दिन च किन्ने काम में ऐसे कीते ने जिथों अल्लाह रोकया सुभान अल्लाह। मैं नहीं पढ़ना अल्लाह कितों कितों रोकया मैं ईमान वाले च पढ़ना मैं यहूदों नसारा च नहीं पा पढ़ता साहिबा ने ईमान तो नहीं पता कि अल्लाह सानू कितों कितों डकया मैं यार नहीं पढ़ता तो पता है ओए पता यार तू कड़पाओ ना मैं ना तो पता मैनू ही पता सोचो जिथों जिथों अल्लाह डके है रुक गए वो तो सलाम जे मुबारक भी जे जे रुक गए ने दो त्रै मैं पढ़िया ना अल्लाह शराब तो डके है अल्लाह सना तो डके है अल्लाह झूठ तो मना किया है होर कोई मिसाल दे लीए आंदे तो होर दे लीने वैसे अल्लाह शराब तो मना नहीं किया अल्लाह सना तो मना नहीं किया अल्लाह झूठ तो मना नहीं किया बेजुर्म कतल तो मना नहीं किया किता कितों कितों अल्लाह रोके है तो कितों कितों बंदे मुड़े ने तो शक्ल फिर भी ठीक ने सार उठाओ यार जरा एक हुक्म दी अदूली करे अल्लाह शक्ल तब्दील की मैं क्या अल्लाह असी तो रोज दी कई बारी तेरे हुक्म दी अदूली करने अल्लाह फरमाता फलाउला फजलुल्लाही अलैकुम व रहमतुहु तुम पर वो अल्लाह का फजल न होता वो अल्लाह की रहमत न होती तुम भी शक्लें तब्दील कर बैठते मैं क्या वो तेरी रहमत कौन सी है फरमाया वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन हमने ज़हरा के बाबे को आलमीन के लिए रहमत बना के भेजा मोमिनीन पर जो सबसे बड़ा हमारा फजल है वो मेरा रसूल है फजल भी रसूल है रहमत भी रसूल है और शुक्रिया अदा कर बतूल दे बाबे दा जिन्ने काम सारा दिन अल्लाह दिया हद्दां तोड़ने आसी ते शाम नू सौं के वे सवेरे उठ के शीशा वे जे शकल ठीक है ते मन जा मेरा कमाल नहीं बदूल दे बाबे दी रहमत हमारी शक्लें बाकी ए मैं इत्थे वासे कर दिया ए मैं जड़ी मजलिस पे पढ़ना ऐसे लोगों वास्ते जेड़े हद्दां तोड़दे ने तुहाडी नहीं मैं गल पै करदा मतलब तुसी बैठे हो पे सानू की पया ना ना ऐसे लोगों की गल पै करना जेडे हदूद क्रॉस करते ने अल्लाह दियां हद्दां तोड़ते ने पता हर बंदे नू है कितों कितों अल्लाह डके है इहदा मतलब ये शक्ल बाकी है ना वह साडियां अमलां की वजह तो नहीं हाय हाय और रहमत खुदा की वजह तो बाकी है
और फजले खुदा की वजह तो बाकी है। यह बंदे खरगोश बने ने, बंदे हाथी बने ने, बंदे मली मच्छी बने ने, बंदा के सप बने ने। क्या अल्लाह ने शक्ल तब्दील कीतिया ने कि नहीं कीतिया ने? मैं क्या अल्लाह सारे ऐप भी साढ़े चो तो शक्ल तब्दील क्यों नहीं होंगी? सूरा नफाल अल्लाह फरमाता क्या करूँ मेरे हबीब अंता फीहिम इनमें तू मौजूद है। इसका मतलब है नबी मौजूद ना होते तो पता नहीं हमारे साथ भी क्या होता। इसका मतलब है पूछने की लोड़ नहीं कैड़ी किताब च लिखे नबी मौजूद ने के नहीं। अगर ऐपां तो बाद भी शक्ल बाकी है तो मन जा मुहम्मद कल भी मौजूद थे आज भी मौजूद। सदके जावा जी मौला तुहानू जज़ा देवे। हुण मैं जिहड़ा बाकी वक्त बचदा थोड़ा बच गया उस इम्तिहान का जिक्र करना जिहड़ा इस दौर च असीं देना है। हज़रत इब्राहिम ने जरा सख्त दिता सी साडा साडी हसीयत दे मुताबिक। उन्हें सख्त किन्ना दिता सी? अल्लाह फरमाया बेटे ते छुरी फेर। ये बहुत मुश्किल काम सी जी। यह सारा पेपर कुरान चो लिखिया पढ़ा जी। आए हाए उन्होंने सिर्फ हफ्ते दिन डकिया सी ते नहीं मुड़े। आ वेखो अल्लाह फरमाया काला या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम। उसने बेटे से कहा मैं ख्वाब में तुझे ज़िबा करता हूँ। इन्नी अस बहू का फन सुर माजा तरा हूँ मैं तेरे लो पवे ना तेरा की ख्याल। काल या अब तिफाल मातू मर सताजी दूनी इन शाह अल्लाह मैंने साबेरी। हज़रत इस्माइल ने फरमाया तुझे ख्वाब नहीं आया तुझे अमर हुआ। जेड़ा तेन हुक्म होया तू पूरा कर तू मुझे साबरों में से पाएगा। इधरों वेखना जे अल्लाह फरमाता फलम्मा असलमा वतल्लाहु लिल्जबीन। हाँ उसने बाप ने बेटे को पेशानी के बल लिटा दिया। जिन्ना कुरान है उन्हें पढ़ पेपर पे पढ़ना हो रहा पेपर लिटा दिया। फिर वा ना दईना हु अन या इब्राहिम जब उन्हें छुरी रख दी तो हमने आवाज दी या इब्राहिम कद सदकता रुया तूने तो ख्वाब को सच्चा कर दिया। फिर फरमाते हैं इन्ना कज़ाल का नज़ियल मोसलीन इसी तरह हम मोसनों को जदा देते। अखा खोल अखा खोलिया ते इस्माइल जिंदा ते दुम्बा जिबा। हजरत इब्राहिम फरमाते ने मैनू तेरी इज्जत की कसम मैं उवें ही कीता जिवें ख्वाब वेखे। मैं दुम्बा लियांदा नहीं मैं दुम्बे ते फेरी नहीं मैं पुत्र लियांदा ते पुत्र ते फेरीए। अल्लाह फरमाता इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन ये तो एक आजमाइश थी गुजर गई। हाय हाय ये तो इम्तिहान था वो गुजर गया। फरमाया नंबर किने लाए? फरमाया 100 चो 100 100 चो पूरे नहरी एक भी नहीं कटन दिता ना तेरे पुत्र ने ते ना तू। अच्छा फरमाते ने इसी तरह हम एहसान करने वालों को जजा देते हैं। इब्राहिम फरमाते जो मैं नीयत नाल फेरीए तो पुत्र नीयत नाल फेराइए तू बचाया क्यों बचाया क्यों? रिजल्ट दसा रिजल्ट। अल्लाह फरमाता फलम्मा जब वो दोनों मान गए तो हमने कहा वफदाए नाहु बिज़िबहिन अज़ीम हमने इस कुर्बानी को बदल दिया है एक बड़ी कुर्बानी के बदल। हम इससे भी बड़ी कुर्बानी लेना चाहते हैं। इब्राहिम फरमाते हैं छुरी मैं रखी है नीयत नाल पुत्र रखवाई है नीयत नाल साढ़े तो अजीम कौन ने? फरमाया तरक नाल है फिल आखिरीन तेरी इज्जत च फर्क नहीं आएगा तेरे ही आखिर वाले ये कुर्बानी देंगे तेरी नस्ल चो ही कुर्बानी लवांगा और तेरी आल चो लवांगा जेड़ा वेख के फेरेगा फराए तू वेख के नहीं जेड़ा वेखेगा आखिरी वेले पुत्र ते प्यो दियां नजरां मिल जाएगियां फिर तेनू भी बखाऊंगा वो ज़िबह अज़ीम है ये खलील का बेटा है वो हबीब का बेटा। एदी मां घर है ओदी हमशीरा सामने होगी। हमने इस कुर्बानी को बदल दिया एक बड़ी कुर्बानी के बदले में। यह मतलब है आले इब्राहिम की कुर्बानी में और आले मोहम्मद की कुर्बानी में फर्क है। बोलो बोलो जी फर्क है। इब्राहिम की कुर्बानी में बेटा वापस दे दिया गया मोहम्मद के बेटे का बेटा जो गया वापस नहीं आया। यह मतलब है इब्राहिम का निसाब और है मोहम्मद का निसाब और है आले इब्राहिम के पेपर और हैं आले मोहम्मद के पेपर। आखिरी मेरा जुमला है मेरे अजीजों वो जब मोहम्मद और आले मोहम्मद से इब्राहिम और उसकी आल का निसाब नहीं मिलता तो तेरे जैसे कैसे हो जाए? ओह
ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਖਲੀਲ ਦਾ ਨਸਾਬ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਮਿਲਦਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਇਹ ਕਿਬਲਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸ਼ਾਹਿਦ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਈਦ ਉਲ ਅਜ਼ਹਾ ਆ ਰਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਜ਼ਰਾ ਈਦ ਉਲ ਅਜ਼ਹਾ ਦਾ ਖੁਤਬਾ ਤਰਜਮੇ ਨਾਲ ਸੁਣਾਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰਜਮੇ ਨਾਲ ਸੁਣਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਇਸਮਾਈਲ ਆਖਿਆ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜ਼ਰਾ ਠਹਿਰ ਜਾ ਮੈਂ ਕਮੀਜ਼ ਦੂਰ ਰੱਖਾਂ ਵਾਂ, ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਕਮੀਜ਼ ਦੂਰ ਰੱਖਾਂ ਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛੁਰੀ ਫੇਰੋਗੇ ਖੂਨ ਉਛਲੇਗਾ, ਉਛਲ ਕੇ ਖੂਨ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੁੜਤੇ 'ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਖਰ ਮੇਰਾ ਕੁੜਤਾ ਘਰ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੇਰਾ ਕੁੜਤਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮਰ ਨਾ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਹਜ਼ਰਤ ਇਸਮਾਈਲ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਵਾਲਾ ਕੁੜਤਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਬਚੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਬਿੰਤੇ ਅਲੀ ਤੇਰੇ ਹੌਸਲੇ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਤੂੰ ਵੀਰ ਦਾ ਕੁੜਤਾ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਵੀ ਨਾਲ ਖੜਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕੇ ਨਬੀ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਬਰ ਤੇ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਆਇਆ ਨਾ ਉਦੋਂ ਬੀਬੀ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾਨਾ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕੁੜਤਾ ਹੀ, ਜਿੱਦਣ ਤੇਰੀ ਧੀ ਲਿਬਾਸ ਤਬਦੀਲ ਕਰੇਗੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੁੜਤਾ ਵੀ ਲਿਆਵਾਂ। ਜ਼ਿਲਹਜ ਦਾ ਚੰਨ ਚੜ ਗਿਆ, ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਪੁਰਸਾ ਦਈਏ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਜੜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਿਆਨਾ ਹਰ ਬੀਬੀ ਮੁਹਰਮ 'ਚ ਉਜੜੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੀ ਮਲਕਾ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਅਲੀ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦੀ ਉਹ ਬੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਜੜੀ। ਛੇ ਪੁੱਤਰ, ਇੱਕ ਸ਼ੌਹਰ, ਦੋ ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਰ ਦੀ ਚਾਦਰ। ਤੇਰੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਨ ਚਾਹ ਰਹੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ। ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜ਼ਰਾ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਈਦ ਪੜਿਆ ਜੇ, ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਇਆ ਜੇ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿਆ ਜੇ, ਗੋਸ਼ਤ ਘੱਲਿਆ ਜੇ, ਗੋਸ਼ਤ ਵਸੂਲ ਵੀ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੁਨਤੇ ਨਬੀ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਗੋਸ਼ਤ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਪੱਕ ਵੀ ਜਾਏਗਾ, ਖਾ ਵੀ ਲੈਣਾ। ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨਾ, ਧੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚਪਿਆਰ ਦੇਣਾ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮਣਾ। ਇੱਕ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਿਆ ਜੀ ਅਜ਼ਾਦਾਰੋ, 10 ਜ਼ਿਲਹਜ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਟੀਗਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੂਫੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਬੀਬੀ ਨੂੰ, ਕਹੀਆ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਉਜਣੀ ਹੈ ਨਾ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਕਿਬਲਾ ਸਾਨੂੰ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਬੂ ਕਿਧਰੇ ਮਜਲਿਸ ਹੈ ਅੱਜ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਈਦ ਦੇ ਮੁਨਕਰ ਹਾਂ, ਈਦ ਦਾ ਮਾਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਾਮ ਆਏ ਨੇ ਅਹਿਲ ਬੈਤ ਨੂੰ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਹਿਲ ਬੈਤ ਨੂੰ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਇਆ ਉਸ ਦਿਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਂ ਹਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਂਦਾ ਵਾ ਮੈਂ ਯੁਅਜ਼ਮ ਸ਼ਾਇਰ ਅੱਲਾਹ ਫਾਇਨਹਾ ਮਿਨ ਤਕਵਲ ਕਲੂਬ ਵਲ ਬੁਧਨਾ ਜਾਲ ਨਾਹਾ ਲਕੁਮ ਮਿਨ ਸ਼ਾਇਰ ਅੱਲਾਹ। ਅੱਲਾਹ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੀ ਤਾਜ਼ੀਮ ਕਰੋ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਤਾਜ਼ੀਮ ਕਰੋ, ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਈਦ ਦੇ ਲਿਆਓ, ਕਿਧਰੇ ਬਦ ਤਾਜ਼ੀਮੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿਹਦੀ ਕਬੂਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਜ਼ੀਮ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਗੋਸ਼ਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੋਸ਼ਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਵੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਜ਼ੀਮ ਕਰੀਏ ਉਸ ਜਾਨਵਰ ਦੀ, ਇਹ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਜੇ ਗੋਸ਼ਤ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਆਪ ਖਾਂਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਤਕਵਾ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਤਕਵਾ ਕੀ ਹੈ? ਫਰਮਾਇਆ ਨੇ ਤਾਜ਼ੀਮ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਹਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਜ਼ੀਮ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਨ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਉੱਨ ਤੋਂ ਲੇਲਾ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਗਲੀਆਂ ਲੱਤਾਂ 'ਤੇ ਟੁਰਦਾ ਹੈ, ਔਖਾ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਮਗਰੋਂ ਤਿੱਖਦੇ ਤੋਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 100 ਲੇਲੇ 'ਚੋਂ ਇਕੱਲਾ ਲੇਲਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਆਖਿਆ ਜਿਹਨੇ ਉਹਦੀ ਰਾਹ 'ਚ ਕੁਸਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮਜਲਿਸ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹਨੇ ਉਹਦੀ ਰਾਹ 'ਚ ਕੁਸਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਪਿਆ ਨਾ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਫੜੀਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਂਸੂ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਬਿਲਾ ਸ਼ੁਭਾ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਦਿਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੀਰ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਾਹ 'ਚ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਾਲ ਫੜਨੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਮਜਮਾ ਬੋਲੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਰੋਲਾਂ। ਇਹ ਬੀਬੀ ਰੁਕਈਆ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਫੜਿਆ ਸੀ? ਹਾਲ ਆਬਾਦ ਰਹੋ ਬਈ।
अलामा इफ्तखार उल हसन साहब अहले सुन्नत दे आलम गुजरे सैयद इफ्तखार उल हसन फैसलाबाद आले उन्हें दो गल्लां लिखियां ने दिल चीर गई। सुनोगे अहले सुन्नत आलम दीन दा मकतल लिखता पे हद मुक गई है। वाह अहले सुन्नत तेरे अकीदे तो सदके और तेरे लफ्जा नूं मैं भुलिया ही नहीं। उन्हें फरमाया हारिस ने मुस्लिम के यतीमों को बालों से पकड़कर उठाया हुआ था। वो फरमांदे ने दो जुमले आंदे ने घर से लेके दरिया तक कभी इन यतीमों के पैर जमीन पे लगते थे? वाह वाह कभी इनके पैर जमीन पे नहीं लग समझ आ गई? ओ यार बेगैरत कभी सुट देंदा सी कभी चुक लेंदा सी। अगली गल जरा नाजो के उन्हें सुन लोगे ना कभी है बारीक गल। आंदा जंगल सुबह की सैर के लिए कूफे के बंदे निकले हुए थे। कुछ बंदे दरियाल जा रहे सन कुछ दरियाल वापस आ रहे सन। ये बिच एक बारीकी है जो मेरे लो वेख के सुनो। आंदा जब ये बालों से पकड़कर इन यतीमों को लेके दरिया की तरफ जा रहा था आंदा हजरत रुकैया के बेटे आने जाने वालों की तरफ हसरत से देख सदके जावा। वाह भाई तुहाडी हाय ना किसी होर गा में जावे आने जाने वालों की तरफ बोलो बोलो मुँह चो हसरत से देख ये दरिया तो लह गया। मैं लंबी नहीं कर पड़ता मैं इत्थे ही मुकान लगा। ए दरिया ते खड़के सामने खड़े हो गए दोवे यतीम इस तलवार कड़ी ते वड्डे ने पूछे कतल करन लगा। औखी गल मकतूल पर पुछते कतल करन लगे हाँ कतल कर। फरमंद ने पहले फिरना मैनू मार तो छोटा शहजादा अगे आया कह लगा ना अगर कतल करने पहले मैनू ये तकरार जो वधी इस मलाऊन ने छोटे नू वालां तो फड़ के दूर सुटिया वड्डे दे वालां च हथ पाया। मैं जिहड़े दो जुमले पढ़न लगा ना ये तलवार मारी है ये सर कट के उधर सुटिया जिधर छोटा डिग्गा पिया किबला वड्डे दा सर जो छोटे की गोद आया ना अज सर नू सीने नाल ला के दे बेसागता मुंजल करे अम्मा मेरा वड्डा वीर कतल हो गया अजे छोटे वैण पिया करता सी जदों इस छोटे दे सवाला चो हथ पा के चुके फिर इतने मैं औखा जुमला पे पढ़ना इन्हें चोली च सर रखिया सी ना जो छोटे नूं सवालां तो चुक लिया वह सर मुबारक वड्डे दा जमीन ते डिग पिया ये छोटे नूं तलवार मारी ये दोवे सर रख के ना साइड ते खून पिया नुचड़दा इन्हें पहले लाश एक सुटी सी फिर दूजी सुटी एक लाश सुट के ना दरिया च जदों दूजी लैके गया वह रुड़ी नहीं सी दरिया की सतह के उत्ते खलोती सी ये समझिया शायद थले कोई दरख्त है जिदे नाल इहदा कुड़ता अड़ गया ये लाश इस वास्ते अड़ी हो सकती है। एक ये आप रवायत करदा मलाऊं आंदा मैं छोटे की लाश जरा जोर नाल सुटी ताकि अगले की भी वह जगह छुट जाए तो दोवे लाशा रुड़ जाए। वह आंदा मैनू उदों पता लगा अड़ी कोई नहीं सी जिवें ही दूजा डिगा ना दोवां पलावां ने गल वखड़ी मार अज बावा च बावा पालिया ने जिवे जिंदा पाते ने दोवे लाशा उधर नहीं गई जिधर पानी जा रहा उधर नू गई ने जिधरों पानी आ। मेरा ख्याल है अगर तुम इसका सबूत मंगो तो मछलियां भी उधर जांदियां सन जिधरों पानी आउंदा सी। अल्लाह अगर हुक्म करे इस तरह हो सकता है जिधरों पानी आ रहा सी दोवे लाशा उधर नू तुर पईआं ये घबरा गया कि इंज कदी होया नहीं। मैं आंदा हैरान होया जो दरिया जितों मोड़ खाता सी ना उतों जो दोवे लाशा अंज गुजरियां वड्डी वड्डी दब ते कहा सी जिदे अंदरों किसी बीबी की आवाज़ आई मैं तुहानू कित्थे कित्थे रोवां। इस दोवे सर कपड़े जां थैले च पाए या चमड़े का थैला थैले च पा के ते इब्ने ज़ियाद दे दरबार च आ गया कहन लगा तू ऐलान किया सी यतीम आने मुस्लिम जिंदा लियाओ या मुर्दो मैं इनाम देंगा आ मुस्लिम दे यतीमां दे सर ने मैं लैके आ गया। इब्ने ज़ियाद कहन लगा सामने आ कढ़ विचों सर मैनू माफ़ कर रहा जी
इस मलाउन ने थैला जमीन ते सुट दी। थैले दे विचों फेर किथे हथ पाए, वाला च हथ पा के दोवे सर जो अंज कीते ने कि बला खून दे कतरे रस्ते च भी डिगते आए। इत्थे आके जो खून दे कतरे पे डिगदे ताज़ा खून ते कहन लगा मैं मुस्लिम दे यतीम कतल कर दिता। अंज इबने ज़ियाद ने वेख्या ते दो जुमले आखे इत्थे भी मकतल अखीर कर दिती। इबने ज़ियाद कहन लगा ये किवें यकीन होवे कि वाकई मुस्लिम दे यतीम ने, तू किसी होर दे बच्चे कतल करके मेरे को मुस्लिम दे यतीमां दा इनाम ना लै जा। कहन लगा तू पहचानता नहीं किसी बंदे नूं, आ कोई बंदा तो पहचानता होगा। पहली गल इबने ज़ियाद की है, तुहाडा दिल पसीज जाना। इबने ज़ियाद कहन लगा मैं इस वास्ते नहीं मनता कि बनू हाशम दे शहज़ादियां दे वाल लम्मे होंदे ने, जिहड़े तू मैनूं पिया विखाना ना दे वाल थोड़े ने। ये मलाउन थले मुंह करके आंदा जदों राती मेरे घर आए सन उदों ज़ियादा सन, जिस अंदाज नाल मैं लियांदे ने रस्ते विच इन्हां दे बाल बिखरे ना बाद रहूं। तुहाडी हाय निकलदी है भई इन्ने 1300-1400 साल बाद की हालत होई होवेगी उस दरबार च, जदों एक बंदे ने खलो के पुछया। उन्हें क्या इबने ज़ियाद कह रहे हैं कोई बंदा है जिहड़ा दोवे सर धो के घरों लियावे ताकि पहचाने जान के मुस्लिम दे यतीम ने। एक बंदा उठा कह लगा मैं धो के लियाना। बंदे आख्या की यकीन है वापस आएगा? पूरे दरबार ने गवाही दी ये आंदा मैं अली दा शी हां, इहदी चोली च सर रख दिओ नाले इहदा इम्तिहान हो जाए, इम्तिहान पे पढ़ना पता लग जाए इहनूं किन्नी मुहब्बत है। दूसरा घरों धो के लिया है कि भला इहने अंज फड़े सन, सामने आके मोमन की आवाज आई थले ना रखी। सदके भाई सदके, थले ना रखी मेरी चोली च रख दे। इधरों में कुछ चोली में दोवे सर रखे दरबार च, मेरे देखो दरबार च निकलता आया तो दोवे हाथों ना चोली फड़ी सी। जिन्होंने दरबार चो बाहर निकलिया इहदी चोली थल्यों खून दे कतरे डिगदे सन, इस दरबार तो बाहर आके चोरी एक हथ नाल फड़ी ते दूजा हथ फार कीता। जदों कतरा डिगदा सी इस हथ ते लै के मुंह ते मलदा सी। मैं पढ़िया चार कदम तुरिया ते एक कतरा जमीन ते डिग पिया, मुंह ते हथ पिया मारदा सी ते डिग पिया। उत्थे ही बह के मदीने अल मुंह करके या रसूल अल्लाह माफी दे दे, मेरा बस लगता तेरी नस्ल दे खून मैं गलियां च ना रुलदा बाद रहूं। तुसां ईद वाले दिन वेखना बंदियां दे कपड़ियां ते खून लगा हुंदा किदा, बंदियां दा कि जानवरां दा? जानवरां दा। उहदे कपड़े खून नाल भरे सन जदों घर अपड़े, दरवाज़ा खटखटाया अंदरों मोमना ने दरवाज़ा खोलिया। जे वेले इस दरवाज़ा खोलिया ना ते खून दे भरे कपड़े वेख के इन्हें गल की औखी गल है। मोमना कहन लगी अब्दे खुदा गोश्त लियाना सी ते घरों कपड़ा लै जांदा, ईद दे दिनां च गोश्त ही हुंदा ना जी। कहन लगा गोश्त नहीं दरवाज़ा बंद कर। उस दरवाज़ा बंद किया, कहन लगा दो बर्तन लिया, एक पानी वाला एक खाली। खाली परात थले रखी, बर्तन एक पानी वाला लिया। कहन लगा दो चीज़ा ने धो के वापस इबने ज़ियाद दरबार जाना, मेरा इंतजार पे कर दे। तो सामने हैरान होना है मोमना दे पैरों थले जमीन निकल गई जदों उस छोड़ी अंज की है। मोमना सी जानती तो नहीं सी कौन ने की होया, इहदी बेसाखता चीख निकली। कहन लगा पहचान ला नहीं? कहन लगे नहीं। तो रोई क्यों है? हो सके पहला तू दस ईद कहड़ी मां दी बर्बाद। कहन लगा मैं दस्या ते तू मुक जाएगी, पहला तू तुआ। कहन लगी अच्छा मैं की पढ़ा जनाब? वड्डे दा सर इत्थे रखिया तू चोली च, इत्थे नाल बर्तन रखे। कहन लगी पानी पा। बीवी ने पानी पाया, इस मेरे मौला दे वड्डे पुत्र तो चेहरे मुबारक तो खून साफ किया, चन तो सोना चेहरा। जेड़े वेले पानी नाल खून धुपया औखी गल करदा, बीवी मुंह ते मातम किया। कहन लगा हुण पहचान आई? कहन लगी मैं पहचानिया ते नहीं, तू मैनू दस ओए खंजर ते किसे इत्थे मारिया? इहदे मुंह ते भी किसे मारिया? दूजा सर धोण तक रोंदी रही, जदों दोवे सर सामने आए यतीमां दे बीवी दी आवाज आई
सामने रखे जिवें तुसी ज़ियारत पढ़दे ना ज़ियारत इन सामने खलो के कहन लगा हुण दसो कहन लगी दस जरा जुमला मैनू आख्या ने बाद च पढ़ना इको ही रह गया कहन लगा हुण सबर नाल सुनी हौसले नाल सुनी आ मुस्लिम दा वड्डा बेटा आ बीबी रुकैया दा छोटा बेटा ही चादर भुल गई ते कोठे ते चढ़ गई अजीजो पौड़ियां रा कोठे ते आई ते दोवे बामा बुलंद करके कहन लगी कूफे आ लियो ईदा मुक गईयां जी उजड़ गया जे बेड़ा बतूल दा रुल गई जोड़ी सा हुण जुमला पढ़ना जिदा हुक्म कीता ने इंज होया किधरे नहीं फिर आंदे ने ईद वाले दिन रोंदे ने लाले मूसे बहावलपुर का परदेसी बंदा मजदूरी करन आया मर जाए सड़क दे कोल पिया होवे ते सड़क ते पिया रहन देणगे कोई ना कोई बंदा खलो के पुछेगा कौन वो आखणगे कोई परदेसी है बंदे टुर जाणगे लेकिन कोई ना कोई आखेगा यार इंज ना करो इत्थों चार पाई तो मंगो चार पाई तो बंदे ताश खेडदे उन्हां बह के उन्होंने जाके आखी वो मैयत परदेसी की वह मन ही छड़ दें आंदे लै जाओ जिहड़ा कपड़ा उन्हें थले बछाया हुंदा ताश दे ताश लपेट के बुझ च पाते आंदे मंजी ते पा के उत्ते कपड़ा पाओ इन्हां ते परदेसी नाल बंदे कर आबाद रहो सारा लाला मूसा गरीब नहीं कोई ना कोई बंदा आखेगा यार कोई शनाख्ती कार्ड मिले मिले बहावलपुर का बंदा आंदा फिक्र नहीं करनी ए पैसे लवो इहदा कफन दफन जे कोई नहीं आता दफन कर दो जे कोई आता तो उड़ीक लो कफन पाओ फुल शुल पाओ कम से कम बहावलपुरों को बंदा लैन आवे उन्हें यह पता लगे लाले मूसे इंसान वास्ते इन्ना होंदा कोई लगता सी उस बंदे का किसी का रिश्तेदार से आखिरी जुमला आओ मुसलमानों सानू रोंदियां नू वेख के हस लो परदेसी नाल कोई तलक भी ना हो चार पाई भी मिल जाती कोई तलक ना हो ते परदेसी वास्ते कफन भी मिल जाता कोई तलक ना हो ते कोई आके फुल भी पा जाता रोंदे असी वेसते वेस वास्ते कूफे दा शहर सी मुस्लिम दे पैर च लस्सी सी कदी ऐस बाजार कदी ओस बाजार आज दुआ कर या रहमान अल्लाह रहीम अल्लाह करीम अल्लाह जिक्र त सदका बानियान दे रिज़क इज़्ज़त बख्त च इज़ाफा फरमा और भाई अमजद नूह दा जिक्र दा सवाब पहुँचा मालिक अल्लाह साडे भाई फैजान दी भाई अजमल दी जिंदगी दराज फरमा मालिक अल्लाह इस जिक्र इन दी नस्लां च जारी हो सारी फरमा जितना खर्च अखराजात कीता है मालिक अजर अजीम अता फरमा मालिक अल्लाह हाजरीन दी घरां ते रहमतां दा नज़ुल फरमा मालिक अल्लाह बीमारां नूं शिफा अता फरमा जेड़े परदेश ने कामयाबियां अता फरमा शिया सुनी मुसलमान भाइयों की सफा च इतिहाद पैदा फरमा मालिक अल्लाह साडे वतन नूं तमाम खतरात तो महफूज फरमा जेड़े इस मुल्क नाल वफादार ने उन्हां दी मदद फरमा आज़ादारां नूं नज़र बद तो महफूज फरमा वली उल असर दे ज़हूर च ताजील फरमा और जिन्हां मरहूमीन दे साले सवाब वास्ते तमाम मालिक उन्हां दे दर्जात बुलंद फरमा मालिक अल्लाह उन्हां दी तौफीका ते खैर च बरकत अता फरमा रब्बे सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद बिरहमतिक या अरहमर रहीमीन मोमिनीन परसों इतवार वाले दिन बन्नी इमाम बारगाह मजलिस होवेगी शिरकत करके सवाब अज़ीम हासिल करो सारे मोमिनीन लंगर करके जाओ।